एक भौरा आया, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। भागवत का बहुत अद्भुत गीत है। हम लोग इसकी कुछ पंक्तियां सुनते हैं। संस्कृत में बड़ा मर्म छुपा रहता है। अब भौरा उड़ता हुआ आया, गोपी भौरे को सुनाकर मानो उद्धव से कह रही है, मधुपति तव बंधो मा स्पृशांघ्रिं सपत्न्या उच्च विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्यम् यस्य दूतस्त्वमित्रे मधुपति तव बन्धो अरे कृष्ण के कपटी मित्र क्यों बार बार हमको मनाने की चेष्टा करता है, हमारे पैरों को स्पर्श मत करे, हमसे बात मत करे तू। सत्रिधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाई सुमन स इव सत्य सत्य जेस्मान भवादे परिचरसि कथम उत्तम श्लोक जल्पै मधुपति तव बन्धो। जैसे तुम भौरे फूल पर बैठकर उसके रस को चूस लेते हो, फूल को छोड़कर चले जाते हो, ऐसी तुम्हारा कपटी कृष्ण है, प्रेम करता है पर रोती बिलकती छोड़कर चला जाता है, हम मानने वाली नहीं है तुम्हारी बातों में। किमिह बहुषढं ग्रे गायसि त्वं यदुना अधिपतिम गृहाणा अग्रतो न पुरा जय सख सखीना गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टा मधुपति तव बन्धो। हम सब जानते हैं अरे षडंग्रे बार बार हमारे पैरों में गिरने का प्रयास मत करो, तू यदुवंशी कृष्ण की यशो गाथा हमारे सामने गाकर हमें चढ़ाता है। देवी भूवि चर साया कास्त्रियस्तदुरा कपट रुचिर हास चरण रज उपास्ते यस्य भूते वयंकार अपि च कृपण पक्षे युक्तम श्लोक सद्दः
धूप की तब बंधो। अरे षडंगरे, हमको आकर बार बार तुम मनाने का प्रयास करते हो, हम तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है, हम तुम्हारे स्मरण में आने वाली नहीं है। विसृज से रस पादम वेद्म्यहं चाटुकारी, अनुनय विदुषस्ते भेद्य दौते मुकुंदा, स्वकृत इह विशिष्टा पत्न्य पत्न्यन्यलो जत कृत चेता किन्नु संधेयमस्मिन् मधु मधुपकृत बबा।